लगा और सभी चिपक गए। ओ हो, मुझे पांव रखना पड़ गया। मिनी अफगानिस्तान जिसको कहते हैं, पानी में खड़े रहेंगे। बहुत ही खस्ता फ्लैट हो रहा है। कौन से हैं ये? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आज शायद मैं हैदराबाद की तरफ मुड़ रहा हूँ, न्यू सब्जी मंडी और गुलशन है मेहमान। ये बोर्ड लगा हुआ है सोराब गोट के करीब और सामने ही है ईदी फाउंडेशन और ईदी सर्ट खाना, इंटरनेशनल फाउंडेशन है ईदी फाउंडेशन। और आज सोचा कि बारिश की कुछ अपडेट देते चले, मौसम की कुछ सूरत हाल बताते चले आपको। तो इस वक्त बहुत ही डर डर के बाइक पर सफ़र कर रहा हूँ, और क्योंकि अगर मैंने पाँव रख दिया तो शूज़ के अंदर पानी भर जाएगा। घरों में तो पानी आता नहीं है, लेकिन यहाँ फ़ौरन आ जाएगा। और ओ हो, लग रहा है गड्ढे में। और चले गए, अब क्या कर सकते हैं। तो अपने व्लॉग का आगाज़ किया हमने सोराब गोट से, और अब घटा हमें यहीं दिख रही थी और साथ में थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, आंख में चोली जा रही है। तो सोचा कि एक हल्की सी अपडेट देते हैं। और बारिश रात हुई थी और अभी तक पानी खड़ा है। काफी पानी है भाई। और सभी चिपक गए दीवार से, ये देखिए। और बस अल्लाह अल्लाह कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि कहां पर गड़ा होगा और कहां पर क्या हो जाए। ये देखिए, ये कहीं ना। ओ हो, मुझे पांव रखना पड़ गया। अल्लाह अल्लाह, पाँव रखना पड़ गया है मुझे और शूज में पानी चला गया है। सामने कुछ घटा दिख रही है, तो सोचा कि एक क्लिप यहाँ से भी ले लें। ये क्या चीज़ है, हेयर कलर साचन। अरे कौन कौन से नाम आ गए हैं। और जी ये यहाँ का नाला, और मौसम की सूरत हाल तो साथ साथ बताता चलूँ कि भाई अभी जो गर्मी नहीं है, और रात 11 से 12 बजे जो बारिश कही गई है, अगर वो हो गई कराची में, जो राजस्थान का सिस्टम है, एक और सिस्टम आ रहा है पीछे से, आपको पता है राजस्थानी सिस्टम यहाँ पर आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या होगा। एंट्री देगा राजस्थानी सिस्टम। और यहाँ का भाई मिनी अफगानिस्तान जिसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसी एनवायरनमेंट की वजह से कहते हैं। सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। अरे तो इस वक्त हाईवे की तरफ मौजूद हैं हम लोग। कोई हैवी ट्रैफिक हमारे पीछे आ रही है। काफी दिनों बाद अलासिफ स्क्वायर की तरफ मुड़े और फिर से दिखा दूं साजन। और ये साजन के होते हुए भी ये दिख रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। अंदरूनी सिंध जाने के लिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हैदराबाद भी जा सकते हैं, अंदरूनी सिंध भी जा सकते हैं। कौन है भाई इतना शोर।
टेंशन नहीं, पानी में खड़े रहेंगे, जाहिर सी बातें हैं, इंक्रोचमेंट है सारी, इन्हें जगह मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये अपनी जगह बना ही लेते हैं। तो सफ़र को चेंज करते हैं और अब्बास टाउन की तरफ से चलते हैं आज। तो चलिए अब्बास टाउन की तरफ से चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। बड़े बड़े व्हील, कल भी जो बारिश हुई वो काफ़ी मोटी मोटी बूंदें थी और बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। मस्जिद उमर के सामने से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं और अब्बास टाउन के लिए एंट्री डाल दी है यहाँ पे, और चैपल गार्डन के बिल्कुल सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये सड़क भी जो है बहुत कंजेस्टेड है, जाहिर सी बात है जब रूट मार्केट मेन रोड्स पर मौजूद होंगी तो यही सूरत हाल होनी है। लेकिन इंतज़ामिया कहाँ है, बात यह है कि इंतज़ामिया कहाँ है। बहुत ही खस्ता फ्लैट हो रहे हैं, कौन से हैं ये, अब्बास टाउन का वाक्य तो आप लोगों को पता ही होगा। जो ब्लास्ट हुए थे उसके बाद उन्हें नया बना के दिया गया है फ्लैटों को, और काफ़ी खौफनाक ब्लास्ट हुआ था। तो ये है सूरत हाल, और जब बारिश होगी तो मामला कहाँ के कहाँ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाले में कितनी थैलियां जमा हैं, सब कुछ है और गंद वाला। बारिश होगी जब ही तो पानी भर जाता है। बिग बाय, छोटे से बच्चे को लेके रॉन्ग आ रहा है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि रात की बारिश में एंजॉय नहीं हो सका। तो ये आ गया है भाई अब्बास टाउन, तो कंटिन्यू करते हैं। रात की बारिश को जो है हम एंजॉय नहीं कर सके क्योंकि रात अंधेरा इतना था। कोशिश ज़रूर करी बाहर निकलने की और काफ़ी सारे एरियाज़ भी गए हम लोग, और बारिश जो थी काफ़ी तेज़ थी जिसके बायस थोड़ा सा नुकसान भी हुआ लोगों को। और टीएनटी की रोड पर आपको मैंने दिखाया भी और बहुत मुश्किल से दिखा भी कि जो खंभे थे वो गिर गए, तीनों के तीनों खंभे गिर गए। काफ़ी डेंजर सूरत हाल हो चुकी थी और
कराची में जो बिलबोर्ड्स वगैरह हैं उनसे भी सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। दोस्तों एहतियात करिएगा, सभी एहतियात करें। और अब मस्कन, फिर गुलशन और अरशद साबरी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और नया पेडिस्टल, यहाँ पे पेडिस्टेरियन ब्रिज बना दिया है, नया बन रहा है अभी। और यहाँ कौन कौन रहता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, किसके रिलेटिव्स रहते हैं, कौन यहाँ पे किसके दोस्त रहते हैं। अरे ये देखिए यार, पता ही नहीं है कि रॉन्ग आ रहे हैं और कितनी स्पीड से आ रहे हैं। ऐसे में पब्लिक एकेडमी, ट्रैफिक कुछ यहाँ पर जैम हो रहा है। और अब साफ सुथरी सड़क पर इस वक्त हम सफर कर रहे हैं, बहुत कूल। कराची का मौसम तो फिलहाल खुशगवार चल रहा है और सिंध में मेरे ख्याल अभी भी बारिश चल रही है, क्योंकि जो ख़बरों के मुताबिक मैं सुबह देख के निकला तो राजस्थान से जो आने वाला स्पेल है वो पता नहीं क्या क्या कर सकता है, लेकिन हर दफ़ा अल्लाह पाक रहमत बरसाते हैं। और हमारी दुआ भी यही है कि जब भी बारिश हो तो रहमत की बारिश हो। और आप सामने फ्लैट्स देख सकते हैं, ये वाकया हुआ था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था एक बहुत बड़ा, जिसके नतीजे में ये सारे घर यहाँ पर जो है तबाह हो चुके थे और उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दिया है। अब रवाना है पैराडाइज की तरफ। की तरफ रुख कर लिया है, लड़ने का बिल्कुल इरादा है। अब आपको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इन एरियाज में जो है ना सिर्फ फ्लैटों का बहुत जोर है, प्रोजेक्ट्स हैं उनका बहुत जोर है, वही चल रहे हैं। ये देखिए इतने प्यारे इलाके में बीच के अंदर बना दिए कचरा कुंडी। यहाँ पर काफ़ी सारे गाड़ियों के गैराज मौजूद हैं, बड़े पैमाने पे एक मार्केट बनाई हुई है। और एक ये मज़दूर इंतज़ार कर रहे हैं। सिग्नल हमें बिल्कुल इजाज़त दे रहा है जाने की,
और डिस्को बेकरी वाला ये रोड है जिसको कहते हैं डिस्को मोड। और इस तरफ मौजूद हैं काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप मौजूद हैं, जिसी तरह के आपने देखा कि पीछे एरियाज में मैकेनिक की और काफ़ी सारी दुकानें मौजूद थी। तो इसी तरह एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट आपको मिल जाएगी और साथ साथ खाने पीने की दुकानें, वो तो आप पूछे ही मत, हर जगह मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर कसीर तादाद में बड़े बड़े फास्ट फूड की जो शॉप्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और मेन रोड पर पार्किंग, तो गाइडलाइन बोर्ड हमें कहता है कि नॉर्थ नाजाबाद, आयशा मंजिल, यासिनाबाद और गुलिस्तानी जौहर और एयरपोर्ट। बिल्कुल ऊपर से चलेंगे, क्यों नहीं। तो ये रूट हमें लेके जाती है नीपा की तरफ और इस वक्त हम पुल पर जा रहे हैं। तो ये टीओ क्लिनिक के सामने बिल्कुल पुल बना हुआ है और इस वक्त गुलशन चौरंगी जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ एक एरियल व्यू तो बनता है। तो ये वही सड़क है जो आपको नीपा की जानिब लेके जाएगी और इस वक्त आपको सोचा कि ऊपर से दिखाऊं कि क्या सूरत हाल बन रही है यहाँ से। तो बिल्कुल गुलशन चुरंगी से बिल्कुल आप सामने की तरफ देखेंगे, आपको रोड बिल्कुल साफ दिखेगा और आसमान पर थोड़े थोड़े काले बादल आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और बारिश जो है अब किस हिसाब से होगी, कल तो पूरे कराची में बारिश एक साथ हुई है, लेकिन आज किस हिसाब से बारिश होने वाली है ये तो आज वक्त ही बताएगा। तो वक्त का इंतज़ार करेंगे जैसा कि हमें दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, सरदार साहब की जानिब से हमें जो वक्त दिया है वो है 11 से 12 बजे का और मूसलाधार बारिश का बताया गया है, रेन अलर्ट जारी कर दिया है साथ साथ। लेकिन एक मज़ेदार बात और भी है, हर बार ही रेन अलर्ट जारी हो रहा है, हर बार ही रेन अलर्ट जारी हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह के काम है, उसमें अव्वल दखल तो कोई भी नहीं कर सकता, कब कहानी कहां से कहां चली जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। जगह जगह सियासी पार्टियों ने बोर्ड्स लटका दिए हैं और इस वक्त आगे से टर्न ले लेते हैं। तो एक और गाइडलाइन बोर्ड हमें बताता है कि अजीज़ाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, सिविक सेंटर और सदर। और अब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ टर्न ले रहे हैं गुलशन के बिल्कुल बीचों बीच से, सरदार अली साबरी रोड से। तो यहाँ हो गए बंगलों के मनाजिर, एक क्लिप ले लेंगे यहाँ से भी। अच्छा ये ऑफिसेज बनाए गए बेंगलोर में, तो खूबसूरत बंगला दिख गया एक हमें। और
यार कराची के ट्रैफिक की ये बात है कि हर किसी को पहल ही जाने की पड़ी होती है और यक बाय यक लोग जा रहे होते हैं कि मैं पहले और काफ़ी पोश एरिया है गुलशन का तो आपको पता है, गुलशन इकबाल का तो आपको वैसे ही पता है कि भाई काफ़ी एक पोश इलाका है और महंगा इलाका है और यहाँ तकरीबन किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी आपको, पानी बिजली हो या गैस हो सब कुछ मिलता है, बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेरे राइट साइड पर, सफाई हो रही है, तो दोस्तों यहां से जब मैं गुजर रहा हूं तो बिल्कुल सांस रोक के गुजरना पड़ा है और अब बाउंड्री बाउंड जो शुरू हो चुकी है तो वे वफा की उर्दू यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल। और यहीं पे मौजूद है वीआरटी। तो दोस्तों आपसे यहीं से इजाज़त चाहेंगे और वफाकी यूनिवर्सिटी हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं और मिलेंगे एक नई जगह पे और जल्द ही मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और बारिश हुई तो वो फौरन आते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बारिश हो तो खंभे और दूसरी चीज़ों से दूर रहिएगा, दीवारों से, खंभों से और तारों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।